फाइनली बॉलीवुड की तरफ से एक ऐसी मूवी रिलीज होने वाली जिसे देखकर ऐसा लगता है कि हाँ इस बार थिएटर्स में पब्लिक आएगी, और ये सिर्फ एक दो दिन के लिए नहीं बल्कि मेरे ख्याल से एटलीस्ट हफ्ता या 10 दिन ये मूवी थिएटर्स में रन करेगी और ये पहली हिट मूवी बन सकती है 2021 की एटलीस्ट बॉलीवुड के नज़रिए से देखा जाए तो। ये वही प्रोडक्शन हाउस है जिसने इससे पहले स्त्री मूवी बनाई थी, और स्त्री मूवी कितनी बड़ी हिट हुई थी ये तो सभी को पता है, और उसके अलावा हिट की गारंटी ये है कि इस बार भी हमें यहाँ पर राजकुमार राव प्लस वरुण शर्मा और जाह्नवी कपूर देखने को मिलती, जो कि ट्रेलर में काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है, लेकिन मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कि उन्होंने अपने इस पर्टिकुलर रोल को किस तरह से निभाया। उसके अलावा अगर आप लोग थोड़ा ज़्यादा R&D करोगे तो गूगल पे जब आप लोग इस पर्टिकुलर मूवी के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पर हमें पंकज त्रिपाठी सर का भी नाम सुनने को मिलता है। तो अब सोचने की बात यह है कि यार ट्रेलर में तो वो हमें नज़र आए ही नहीं, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो एक सरप्राइज पैकेज हो जो हम लोग को इस मूवी में देखने को मिले, या तो फिर वो इस मूवी में नहीं होगे। यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, लेकिन जहाँ तक मेरा दिल कहता है कि शायद वो हमें इस मूवी में देखने को मिलेंगे। अब आप लोगों को क्या ओपिनियन है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहाँ पर आपको कॉमेडी प्लस हॉरर दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलेगा, और कहानी कुछ यूँ है इस मूवी की, एक चुड़ैल है जो कि जब भी किसी की शादी होती है तो शादी की रात को उस दुल्हन को वो चुड़ैल उठा ले जाती है। ट्रेलर देखकर ऐसा भी लगता है कि ये मूवी का मेजॉरिटी पोर्शन हमें एक घर में देखने को मिलेगा, तो वो लोग ने बहुत ही अच्छी तरह से क्रिएट किया, और वो जो एक स्कैरी माहौल है ना वो हमें साफ ट्रेलर में नजर आता है। मूवी में अच्छा हुआ कि वो लोग ने कॉमेडी के पंचेस ज्यादा डाले, जैसे कि स्त्री मूवी में भी हमें हंसने के साथ साथ डर भी लगा था, वैसे ही पर्टिकुलर इसी मूवी में भी हमें वो सारी चीजें फील होगी। वैसे इस मूवी का म्यूजिक सुनकर आपको लेट द म्यूजिक प्ले वो एक पुराना सॉन्ग याद तो आया होगा जो हमें इसमें सुनने को मिलता है, और वो सॉन्ग एक वक्त पे बहुत ही गजब का हिट था, और दोबारा से जब हम लोग इस मूवी में सुनेंगे तो ऑडियंस को फिर से वो सॉन्ग पसंद आने वाला है, और जो दूसरे सॉन्ग्स होंगे इस मूवी में वो भी अच्छे होंगे, क्योंकि जब भी मैडॉक्स फिल्म में कोई भी मूवी बनती है तो उसके जो सॉन्ग्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, चार्ट बस्टर होते हैं, और आप होप करो कि भाई इस मूवी में भी जो सॉन्ग्स है वो एटलीस्ट इतने अच्छे हो कि थिएटर में जब ऑडियंस मूवी को देखे तो यार कोई भी इसके बहाने बाहर ना जा सके। उसके अलावा अब तो सिर्फ होप कर सकते हैं कि भाई जब ये मूवी रिलीज़ हो तो एटलीस्ट इतनी अच्छी हो कि ऑडियंस इस मूवी को थिएटर में देखने आए, और जो लोग देख रहे हैं पैसा दे के उनके पैसे वसूल हो, वरना बॉलीवुड की तरफ से अब जो भी मूवीज़ आती है ना उसमें 90% तो ऐसा लगता है कि पूरी तरह से ऑडियंस के पैसे बर्बाद होने वाले, लेकिन ये मूवी थोड़ी सी राहत लेकर आई कि नहीं यार इस बार अगर हम लोग थिएटर में जाएंगे तो निराश होकर फाइनली बाहर नहीं निकलेंगे। तो यार मुझे तो ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, आप लोग को भी अच्छा लगा तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।